नमस्कार, मैं प्रिया धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि 15 अप्रैल से पहले पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने की संभावना है। कल से शुक्रवार के बीच पश्चिमी विक्षोभ दोबारा एक्टिव हो सकता है। आज रात को पश्चिमी विक्षोभ के पश्चिम हिमालय के पास पहुंचने की उम्मीद है। इसके बाद 13 से 17 अप्रैल के बीच बारिश का अनुमान है। अप्रैल के पहले 10 दिन में कोई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं हुआ है। इस वजह से पश्चिमी और उत्तर पश्चिम दिशा से शुष्क और गर्म हवाएं उत्तर मैदानी इलाके में चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मंगेशकर परिवार ने सोमवार को यह घोषणा की। प्रधानमंत्री को 24 अप्रैल को लता मंगेशकर के पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की 80वीं पुण्यतिथि पर लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यूक्रेन जंग को लेकर भारत के रुख पर अमेरिका का बड़ा बयान आया है। सोमवार को अमेरिका विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मिलकर मुलाकात के बाद साफ तौर पर स्वीकार किया है कि भारत और रूस के रिश्ते दशकों पुराने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी और कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है जो आतंकवाद से मुक्त हो। मोदी ने ट्वीट किया कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुने जाने का बधाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है और आतंकवाद से मुक्ति चाहता है ताकि हम अपने विकास चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित कर सके और अपने लोगों की भलाई और समृद्धि सुनिश्चित कर सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को आज़ादी के अमृत महोत्सव के वर्ष के संकल्प वर्ष के तौर पर मनाने का निर्णय किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई सलाह का भी जिक्र किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से आग्रह किया है कि व्यापक जनभागीदारी के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाए। राष्ट्रगान रंगोली बनाने, स्वतंत्रता संग्राम पर शोध और संकलन का कार्यक्रम हो, मेरा गाँव मेरी धरोहर पर कार्यक्रम हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में शामिल होने वॉशिंगटन डीसी पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य रूप से भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के चौथे वर्जन में भाग लेने के लिए अमेरिका की 4 दिवसीय यात्रा पर पहुंच गए हैं। कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी होने के साथ ही फ्लाइट पहले की तरह फिर से शुरू हो गई है। कोरोना के मामलों में गिरावट के साथ ही हवाई यात्रा में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इस बीच ओएजी ने मार्च 2022 में दुनिया के टॉप 10 बेस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 3रे नंबर पर है जो कि कोरोना संक्रमण के पहले तक यानी साल 2019 में 20वें नंबर पर था। इससे साफ है कि कोरोना काल के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर आवागमन बढ़ा है। भारतीय वायुसेना के चिनूक हेवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर ने बड़ा कारनामा कर दिखाया है। इस खास हेलीकॉप्टर ने बिना रोके चंडीगढ़ से असम के जोरहाट के बीच 1910 किलोमीटर की दूरी को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया है कि यह भारत में सबसे लंबी नॉनस्टॉप हेलीकॉप्टर यात्रा है। इसमें बताया गया है कि चिनूक हेलीकॉप्टर ने 1910 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए 7 घंटे 30 मिनट लिए हैं। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर जीत हासिल करने वाले सभी नवनिर्वाचित विधान पार्षदों ने बीते दिन शपथ ग्रहण कर लिया है। विधान परिषद के एनएक्सी हॉल में इन्हें शपथ दिलवाई गई। नवादा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर एमएलसी चुनाव जीतने वाले अशोक यादव ने भी शपथ ग्रहण की और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ लेने के बाद अशोक यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जदयू को समर्थन देने का ऐलान वो कभी भी कर सकते हैं। भारत ने राजस्थान में पोखरण रेंज में दुनिया के सबसे उन्नत टैंक रोधी हथियारों में से एक हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना ने सभी मानकों को पूरा करते हुए सिम्युलेटेड टैंक को ध्वस्त कर दिया। इस मिसाइल को होममेड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ लेने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी उनके साथ मौजूद रहे। इसके पहले आज सीएम योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की। श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह से हाहाकार मचा हुआ है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इस बीच सोमवार श्रीलंकाई प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने देश को संबोधित किया। उन्होंने देश को आर्थिक संकट की वजह समझाने की कोशिश की। राजपक्षे ने कहा, कोरोना महामारी की वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, इसके बावजूद हमें लॉकडाउन लगाना पड़ा। इस वजह से देश का फॉरेन करेंसी रिजर्व खत्म हो गया है। बिहार के सिवान में एमएलसी चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार रईस खान के काफिले पर हमले को लेकर पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब सहित 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज है। अब ओसामा ने सीएम नीतीश कुमार को ट्वीट कर इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। इसमें उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से अपने ऊपर हुए एफआईआर की निष्पक्ष जाँच हो इसकी मांग उठाई है। श्रीलंका आजादी के बाद से सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका ने मंगलवार को खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। श्रीलंका ने ऐलान किया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बकाया 51 अरब डॉलर के विदेशी कर्ज को चुका नहीं पाएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा का स्केड्यूल जारी कर दिया है। बोर्ड द्वारा जारी स्केड्यूल के अनुसार 9 और 10 मई 2022 को आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा देशभर में आयोजित की जाएगी।
टीम इंडिया के स्टार लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल आईपीएल 2022 में जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। चहल ने हाल ही के दिनों में कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिसने सबको चौंका दिया है। इस मामले में न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर जेम्स फ्रैंकलिन का भी नाम सामने आया है, जो इस वक्त इंग्लैंड के काउंटी क्लब डरहम के कोच हैं, और क्लब ने कहा है कि वो इसको लेकर फ्रैंकलिन से बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए दंगों और आगजनी में अपील कर फैसला आने तक कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की सजा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संबंधित हाई कोर्ट को सजा पर रोक लगानी चाहिए थी। फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने दर्शकों पर एक अलग सी छाप छोड़ी है। इस फिल्म को लेकर अब हर कोई बेहद इमोशनल नजर आ रहा है। फैंस इस फिल्म को सिनेमाघरों में देखने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। अभी भी फिल्म का क्रेज कम नहीं हुआ है, लेकिन इधर सिंगर सोनू निगम इस फिल्म को देखने से बच रहे हैं। दरअसल वजह है कि उनका मानना है कि ये फिल्म वो नहीं देख पाएंगे। हाईवे से गुजरने के दौरान लोगों को टोल टैक्स देना होता है, और इसके लिए पहले कैश पेमेंट देकर रसीद लेना होता था, जिसके बाद बीते कुछ सालों में नई टेक्नोलॉजी आ गई और टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट की जगह फास्टैग के जरिए टोल टैक्स वसूले जाने लगे हैं, जिसका फायदा भी अब हो रहा है। 2009 में आमिर खान की एक फिल्म आई थी, नाम था 3 इडियट्स। इस फिल्म में राजू रस्तोगी की माँ एक डायलॉग मारती है, पनीर तो एक दिन सुनार की दुकान पर इतनी सी थैली में मिला करेगा। पेट्रोलियम मंत्रालय के अधीन आने वाले पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के मुताबिक ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। 8 साल में पेट्रोल की कीमत 45% और डीजल की कीमत 75% तक बढ़ गई है। 1 अप्रैल 2014 को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 72.26 रुपये और डीजल की कीमत 55.49 रुपये प्रति लीटर थी। साउथ के दो बड़े सुपरस्टार जूनियर एनटीआर और रामचरण तेजा की फिल्म आरआरआर की कमाई में सोमवार को अचानक बड़ी गिरावट देखने को मिली। रविवार के मुकाबले फिल्म की कमाई में सीधे 66% की गिरावट दर्ज की गई। रविवार को जहां मूवी ने हिंदी बेल्ट में 10.50 करोड़ का कलेक्शन किया, वहीं सोमवार को इसकी कमाई सिर्फ 3.50 करोड़ रह गई। लोकसभा राज्यसभा में सबसे बड़े दल के बाद भाजपा उत्तर प्रदेश विधान परिषद में भी सबसे बड़ा दल बनकर इतिहास रचने जा रही है। विधान परिषद में प्रचंड बहुमत के बाद योगी सरकार को किसी भी विधेयक को विधानसभा में पारित करवाने के लिए कोई दिक्कत पेश नहीं करनी होगी। इसके साथ ही हालांकि भाजपा अभी भी 35 सदस्य के साथ विधान परिषद में सबसे बड़ा दल है। विधान परिषद की 36 सीटों पर विगत 9 अप्रैल को वोट पड़े थे, जिसमें से 9 सीटों पर तो भाजपा पहले ही निर्विरोध जीत हासिल कर चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में सोमवार को $4 प्रति बैरल की गिरावट दर्ज की गई है, जिसमें ब्रेंट क्रूड $100 से नीचे चला गया है। कच्चे तेल और क्रूड ऑयल के उत्पादों की रिकॉर्ड मात्रा जारी होने और चीन में लगातार कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन से कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। जून डिलीवरी के लिए ब्रेंट क्रूड $3.93 या फिर 3.8% की गिरावट के साथ $98.35 प्रति बैरल पर था। शिक्षक बनना अधिकांश युवाओं का सपना होता है। ये न केवल एक प्रतिष्ठा नौकरी है, बल्कि एक जिम्मेदार भरी नौकरी भी है। अप्रैल के महीने में विभिन्न सरकारी संगठनों में कुल 59,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती निकली है। सरकारी और निजी स्कूल कॉलेज के तहत देश भर में ग्रेजुएट बीएड पास उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अप्रैल में पड़ने वाली जबरदस्त गर्मी ने लोगों की हालत खराब कर दी है। मई जून के बारे में सोचकर ही पसीने छूट रहे हैं। कई शहरों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया। ऐसा ही चिलचिलाती गर्मी में एक फूड डिलीवरी बॉय का कारनामा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दरअसल 42 डिग्री तापमान में साइकिल से समय के भीतर डिलीवरी बॉय ने कोल्ड ड्रिंक पहुंचा दी। ये देखकर ऑर्डर करने वालों का भी दिल पसीज गया। इसके बाद क्राउड फंडिंग का दौर शुरू हुआ। आलम यह हुआ कि देखते ही देखते इंटरनेट की जनता ने डिलीवरी बॉय पर अपना ढेर सारा प्यार लुटा दिया। पैसे की इतनी बारिश हुई कि अब इस डिलीवरी बॉय ने अपने लिए बाइक खरीद ली है। भारत में निर्मित डोनियर 228 आज से पहली कमर्शियल उड़ान भरेगा। स्वदेशी विमान डोनियर 228 के संचालन का जिम्मा अलायंस एयर को दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और किरेन रिजिजू ने भी इसकी सवारी की है। सिंधिया ने उड़ान की कुछ तस्वीरें ट्वीट की है। पाकिस्तान के नए पीएम शहबाज शरीफ द्वारा भी कश्मीर राग छेड़े जाने के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें शुभकामनाएं देने के साथ ही खरी खरी सुनाई है। उन्होंने कहा है कि मैं सिर्फ उन्हें यह कहना चाहता हूं कि वो आतंकवाद काबू में रखे। समाचार एजेंसी ANI के साथ चर्चा में पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन को लेकर राजनाथ सिंह ने कहा कि यह स्पष्ट है कि जब भी अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय वार्ता होती है तो आतंकवाद का मुद्दा उठाया जाता है। दिल्ली सरकार ने 23,256 निर्माण श्रमिकों को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता जारी कर दी है। कुल 11.6 करोड़ रुपये अगले 1-2 दिन में सभी श्रमिकों के खाते में पहुंच जाएंगे। बीते साल प्रदूषण के चलते निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध से प्रभावित श्रमिकों को राहत पहुंचाने के लिए केजरीवाल सरकार ने सोमवार को सहायता राशि जारी की। नोएडा सेक्टर 40 स्थित एक निजी स्कूल में सोमवार को 13 विद्यार्थी और 3 शिक्षकों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्कूल प्रबंधन ने 18 अप्रैल तक स्कूल बंद कर दिया है। मंगलवार को 12वीं के विद्यार्थियों की प्री बोर्ड परीक्षाएं भी ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी।
देश की दिग्गज आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपने चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। टीसीएस की चौथी तिमाही में नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे। डॉलर रेवेन्यू में 2.6% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। मैनेजमेंट के अच्छे ऑर्डर बुक को होने की बात कही गई है। चौथे तिमाही में 1100 करोड़ डॉलर से ज्यादा डील साइन किए गए हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सुमन सौरभ, नुनु कुमार, मंतोष कुमार, कुमकुन कुमार, अशोक ठाकुर, कुमार कृष्णा, जितेंद्र कुमार, अमन कुमार, निशा कुमारी, रंजीत रॉय, सुदेश कुमार, रंजीत कुमार। आप इस तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार इस बार के आईपीएल मुकाबले में कौन सी टीम मजबूत नजर आ रही है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए, देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।